ये बात तो आए पर हम सभी जानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में वनडे और टी20 मुकाबलों की सीरीज महज कुछ ही दिनों यानी कि मुट्ठी भर का समय उसके लिए बचा है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आती है जो भारतीय टीम के लिए तो बुरी खबर है और वेस्ट इंडीज टीम के लिए कहीं न कहीं ये एक अच्छी खबर मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और अब कुछ नए खिलाड़ियों को रोहित शर्मा ने वापसी करवाई है। तो ये जो स्क्वाड है उसमें भी काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा बदलाव टीम इंडिया के लिए क्या मुश्किलें बढ़ाएगा या फिर क्या ये सही साबित होगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और क्या वाकई में टीम इंडिया का शेड्यूल भी जो है वो पूरी तरह से बदल गया है कोरोना की वजह से बाहर हुए खिलाड़ियों की वजह से, क्या मैच के तारीखों में भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है और इस बारे में क्या कह रही है बीसीसीआई, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैच के बारे में पूरी डिटेल वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां वेस्ट इंडीज की टीम शानदार फॉर्म में है, बात करें पूर्व कप्तान जेसन होल्डर की, बार बार भारतीय टीम को चेतावनी दे रहे हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि भारत को उसकी सरजमी पर हराने की हम पूरी कोशिश करेंगे और इनफैक्ट हम भारत को हराने वाले हैं। जहां भारतीय टीम की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई थी क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम शानदार फॉर्म में है, उनके ऑलराउंडर जेसन होल्डर इतनी ज्यादा फॉर्म में है कि अब उनके क्या कहने हैं। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के लिए खबर तो यहां आती है कि उनके कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसे में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तो बदलाव होंगे ही, लेकिन स्क्वाड में भी बदलाव ऑब्वियसली है कि होने ही होने हैं। अब कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को कोविड-19 की चपेट में आ गई है। सीनियर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, रिजर्व ओपनर ऋतुराज गायकवाड़, मिडल ऑर्डर श्रेयस अय्यर और सहयोगी स्टाफ 4 सदस्य वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज की शुरुआत से पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 6 फरवरी से होने वाली थी, लेकिन क्या अब वो वाकई में होंगी। वनडे सीरीज के लिए सभी मुकाबले अहमदाबाद में खेले जाने थे, लेकिन धवन, अय्यर और गायकवाड़ की सीरीज से नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इन्हें एक हफ्ते में क्वारंटीन से गुजरना होगा और इसके बाद 2 नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद से ही वो टीम में जुड़ सकते हैं। लेकिन अब इनकी जगह किन खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है, बता दें कि ये साफ है कि कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी और कोच राहुल द्रविड़ सभी बुधवार को नेगेटिव पाए गए हैं। अधिकारी ने कहा आज तक के उन सभी नतीजे नेगेटिव हैं। 3 खिलाड़ियों ने कोरोना संक्रमित होने के बाद टीम में ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। भारत के लिए 19 टेस्ट में 1400 से ज्यादा रन बनाने वाले मयंक अग्रवाल की वापसी हुई है, तो वहीं पर ऋषि धवन को भी टीम में शामिल किया गया है। सीरीज में इसलिए शामिल किया गया था स्टैंड बॉय के तौर पर ताकि अगर कोई भी खिलाड़ी बाहर होता है तो उनकी जगह पक्की हो सके। अब ऋषि धवन भी इस स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं और कुछ 1-2 खिलाड़ियों का अनाउंसमेंट जल्द ही होने वाला है। लेकिन ऋषि धवन और मयंक अग्रवाल की जहाँ वापसी हो रही है, वहीं हम आपको बता दें कि इस शेड्यूल में क्या कोई बदलाव हुआ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा है खिलाड़ियों में बीमारी के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि क्वारंटीन खत्म होने तक वे ठीक हो जाएंगे। हालांकि आपको शिखर धवन के लिए मायूसी होगी क्योंकि वह शायद वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, वह टी20 टीम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में बीसीसीआई की ओर से बताया गया है कि शाहरुख खान और आर साई किशोर को स्क्वाड में अलग से स्थान मिला है, लेकिन इस बार भारतीय टीम में कई खिलाड़ी संक्रमित हुए हैं, इसलिए इन स्टैंड बॉय खिलाड़ियों को टीम की स्क्वाड में जगह मिल चुकी है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि इन 3 खिलाड़ियों के अलावा अन्य 5 खिलाड़ी कौन हैं, इस बात के बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अब आते हैं भारतीय टीम के शेड्यूल के बारे में कि क्या कोई टाइम टेबल में बदलाव हुआ है। तो हम आपको बता दें कि बीसीसीआई अधिकारी ने बताया है बाकी खिलाड़ी नेगेटिव पाए गए हैं, दोनों रिपोर्ट आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं मैच अपने तय समय पर शुरू हो जाएगा यानी कि 6 फरवरी से ये मुकाबले शुरू होने हैं और अभी तक न्यूज के अनुसार वो मुकाबले वहीं से शुरू होंगे। लेकिन अब टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है, वो इसीलिए क्योंकि अब स्क्वाड में आपके मुख्य खिलाड़ी जैसे शिखर धवन नहीं मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे आपको श्रेयस अय्यर, नहीं मिलेंगे आपको ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ अगर शिखर बाहर हो चुके हैं, और केएल राहुल तो पहले से ही पहले वनडे मुकाबले से बाहर है। ऐसे में आप रोहित के सामने बढ़ चुकी है मुश्किलें। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।